Hi guys, welcome back to my channel One Step Trading. So in this video we are going to discuss एक लॉट से ट्रेड कैसे करें. तो देखो जरूरी नहीं है हर बार आपको एक बड़े कैपिटल से ट्रेड करना. बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत छोटा कैपिटल है, ये तो इजीली वाइप आउट हो जाता है. ट्रेडिंग करने के लिए एक बड़ा कैपिटल लगता है, बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस ऑल आर सुपरस्टिशंस, मिथ्स. इसका कुछ भी नहीं होता है. आप छोटे कैपिटल से एक लॉट से भी पैसा बना सकते हो. एक बार कोशिश करके देखो, इजी रूल्स है जिनको फॉलो करके आप इजीली एक लॉट से भी पैसा बना सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप स्टार्टिंग में नए हो, बिगिनर हो, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो सीरियसली बड़ा कैपिटल तो भूल के भी मत लाना, क्योंकि बहुत जल्दी वो आपका पूरा वाइप आउट हो जाएगा. अगर आप नए हो तो हमेशा स्टार्टिंग में स्मॉल कैपिटल जैसे कि 10,000-20,000 इतने से ही शुरू करो, क्योंकि अगर जाएगा तो वो उतना ही जाएगा, पूरा आपका बड़ा कैपिटल नहीं लेके जाएगा. क्योंकि बड़ा कैपिटल जब वाइप आउट होता है तो बहुत टाइम तक आदमी डिप्रेशन में चले जाता है एंड फिर उसका मन नहीं लगता है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना है. स्टार्टिंग में आप छोटा कैपिटल लेके आओ एंड उसी से ट्रेड करने की कोशिश करो. उसको ट्रेड करके आप पहले कॉन्फिडेंस को गेन करो. जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आप पैसा चाहे छोटी कैपिटल लो या बड़ी कैपिटल तो भी आप नहीं बना सकते हो. अब देखो, ट्रेडिंग करने के लिए ना दो तरीके होते हैं. एक होता है स्कैल्पिंग, जिसमें सब लोग बोलते हैं बड़ा कैपिटल लगता है, छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए हमेशा बड़ा कैपिटल लगता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कैल्पिंग आप छोटी कैपिटल से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो एक हो गया स्कैल्पिंग एंड एक होता है प्रॉपर नॉर्मल ट्रेड्स जो प्राइस एक्शन पे बनते हैं, जो इसमें हम थोड़ा बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं, एक बड़ा लॉन्ग होल्ड करते हैं, ठीक है. तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कैल्पिंग में आपको छोटे पॉइंट्स लेके निकलना होता है, क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है एंड जो छोटे ट्रेड जैसे कि मतलब आप स्कैल्पिंग ट्रेड अगर बनाते हो तो 2-3 मिनट आप होल्ड करो, जो भी चल रहा है उसको एग्जिट लो और निकल जाओ, ठीक है. एंड बड़े ट्रेड में क्या होता है कि आप जैसे अगर आपने सुबह मॉर्निंग में एंट्री बनाई तो कभी कभार टारगेट्स आने में पूरा सेकेंड हाफ लग जाता है, तो तब तक भी होल्ड करना पड़ता है. इसमें प्रोबेबली कहने का मतलब है कि बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करना, एक बड़ी रैली को कैप्चर करना. अब दोनों में से बेस्ट क्या है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है. क्योंकि इसमें स्कैल्पिंग में आप देखें तो छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट एंड प्रॉपर नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेड्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है एंड टारगेट्स भी वैसे ही मिलते हैं, ठीक है. तो दोनों का जो रेशो है बहुत ही बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है, दोनों ही अच्छी चीजें हैं. अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन हम दोनों चीज के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि मान लो स्कैल्पिंग है, तो इसमें क्या करना होता है, ज्यादा होल्ड नहीं करना होता है, क्विकली प्रॉफिट बुक करना होता है. प्रॉफिट हो या लॉस, मतलब छोटे टाइम में ही आपको निकलना होता है, ठीक है. तो अब इसमें अगर हम देखें, अगर आप मान लो 30 पॉइंट्स भी कैप्चर करते हो, 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखो एंड 20 पॉइंट्स का लॉस रखो, ठीक है. अगर आप ये वाला रेशियो भी लेके चलते हो तो 30 पॉइंट्स का अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो, मान लो 20 डेज आप ट्रेडिंग कर रहे हो एंड 20 डेज में अगर आपने 15 डेज भी ग्रीन में क्लोज किया है, ओके, 15 में से भी चलो एवरेज मान लेते हैं अपन 10 दिन अगर आपने ग्रीन प्रॉफिट में क्लोज किया है एंड 5 दिन आपने ब्रेक इवन पे क्लोज किया है एंड 5 दिन अगर आपने लॉस में किया है, तो हद से हद आप 10,000 की कैपिटल अगर यूज करते हो एंड एक लॉट आ जाता है 6,000-7,000 का, ठीक है. बाकी का आप ऐसे ही अपने डीमैट में रख सकते हो ताकि कभी लॉस हो जाए तो उसमें आपका एडजस्ट हो जाए, ठीक है. तो अगर आपने 10,000 से स्टार्ट किया है एंड 6,000-7,000 में एक लॉट आ जाता है, उससे अगर आप 30 पॉइंट बुक करते हो तो 30 पॉइंट में 450 रुपये होते हैं, तो थोड़ा कोशिश करो कि 500 रुपये, ठीक है. एक दिन का आपको 500 रुपये प्रॉफिट बुक करना है एंड लॉस देना है तो कितना देना है, 300 से 350 का लॉस रखना है. अगर इस रेशो से भी आप चलते हो तो पूरे महीने का अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अनुमान लगाएं तो आप कितना कमा लेंगे, अराउंड एंड अराउंड 5 से 6,000 तो आप कमा ही लोगे, ठीक है. अगर आप इस रेशो से चलते हो कि आपने 20 दिन ट्रेड किया जिसमें से 10 दिन आप लोग प्रॉफिट में निकल रहे हो, 5 दिन लॉस हो रहा है, 5 दिन आप ब्रेक इवन पे हो रहे हो, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है. तो हद से 2 ट्रेड करो पूरे दिन भर में. आप एक बार अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हो. देखो क्या करना है, पूरे दिन भर में आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं. 2 ट्रेड ऐसे लेने हैं कि आपने पहला ट्रेड लिया, आपको 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है. सेकंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सेकंड ट्रेड प्लान करो, उसमें भी अगर आपने 300 से 450 का प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 750 से 1,000 के बीच में. तो वहाँ पे अपनी स्क्रीन को क्लोज कर दो और मान लो अगर आपका प्रॉफिट हो गया 500, फिर उसके बाद अगर आपने सेकंड ट्रेड बनाई तो आपका ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ओके. एंड अगर आपने मान लो फर्स्ट ट्रेड में लिया 300 का लॉस, सेकेंड में लिया आपने फिर से लॉस, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए,
ओनली 500 से 600 के बीच में आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। अगर आप इस रेशो से चलते हो तो आपको ये चीज एकदम श्योरिटी लेने की जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 85% तो होनी ही चाहिए, जिसमें आप 10 दिन प्रॉफिट में निकलो, 5 दिन ब्रेक इवन पे निकलो और 5 दिन लॉस में भी निकलते हो, तो भी आप महीने का अगर कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली आप 5 से 6 हज़ार बना ही सकते हैं विद 10,000 कैपिटल। सो दिस इज वेरी नाइस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड ये अगर आप यूज करते हैं तो सीरियसली इससे आपकी लाइफ मतलब इजी चलेगी ट्रेडिंग की एंड आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आपके जीवन में सब कुछ सही चलेगा। ठीक है, अगर सेकंड चीज के बारे में बात करें जो होता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स, तो उसमें आपको थोड़े से लंबे टारगेट्स के लिए रुकना पड़ता है। जैसे कि आप 100 पॉइंट्स का टारगेट ले रहे हैं तो आप SL दे दो उसमें 50-60 पॉइंट्स का, तो उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो उसमें भी अगर आप मान लो उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी निकल के आती है क्योंकि वो एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ रहता है एंड प्राइस एक्शन बेस्ड रहता है तो उसकी ऑब्वियसली जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, तो अगर उसकी एक्यूरेसी हम 90% भी माने जिसके अंदर हम मान ले कि 12 से 13 दिन अगर आप प्रॉफिट में रहते हो और बाकी के दिन आप थोड़े ब्रेक इवन एंड लॉसेस में निकाल रहे हैं तो भी आपका जो रेशियो है वो बहुत हाई चांसेस है कि आप अपना कैपिटल भी डबल कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर हम बहुत मिनिमम मान के चले तो आप 7 से 8 हज़ार तो बना ही सकते हैं उसके अंदर, बहुत मिनिमम, लेकिन मोस्टली तो कैपिटल डबल हो भी जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिलती है तो उन रैलीज के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकल जाते हैं एंड प्राइस एक्शन बेस्ड है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है क्योंकि आप इसमें प्लस पॉइंट है कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं और साथ ही आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हैं। स्कैल्पिंग थोड़ा क्विक एडवांस चीज़ हो गई जो सिर्फ एडवांस लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी के गाइडेंस में कर सकते हो या फिर आप अपने थोड़ा एडवांस लेवल पे हो तो आप इसको अप्लाई करो, बाकी अगर आप नए हो तो फिर आप प्राइस एक्शन और ट्रेंड के साथ ही अपना ट्रेड बनाइएगा। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में छोटी कैपिटल लाओ, उसको आप पहले ट्रेड करके देखो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगा, साथ ही आपकी कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो फिर जब आपकी ये कैपिटल ग्रो करने लग जाएगी तो स्टार्टिंग में तो आप अपने जो प्रॉफिट्स है उसको विड्रॉ कर लो ताकि आपकी कैपिटल सेफ हो जाएगी। ओके, जो आपने कैपिटल यूज करी है उसमें आपको प्रॉफिट को विड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि जो कैपिटल है और प्रॉफिट है दोनों को एक साथ मिला के ट्रेड करने लग गए। अभी स्टार्टिंग फेज में ऐसा नहीं करना है, कैपिटल जो है उसको रहने दो और जो प्रॉफिट बनाए वो निकाल लो, तो एक ही बात हो जाएगी आपकी कैपिटल सेफ हो गई, अब जो प्रॉफिट बनाए उसी से आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसको भी करो एटलीस्ट, ऐसा आपको 6 महीने तक करना है। 6 महीने तक अगर आपने एक ही लॉट में ट्रेड करना सीख लिया तो आप सीरियसली बहुत अच्छी साइकोलॉजी के साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि बंदे को आगे पहुंचने के लिए पहले स्टार्टिंग छोटे से ही करनी पड़ती है। बहुत सारे बंदों को देखा है जो किसी के एडवाइस पे आते हैं और बड़ी कैपिटल लगाने लगते हैं, फिर कुछ इश्यूज होते हैं, मान लो नेटवर्क इशू हो गया या फिर डीमैट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। कई बार अपन ने देखे ज़ेरोधा ग्रो बीच में ही थोड़ी सी गड़बड़ करने लग गए थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने लॉसेस लिए हैं, तो वो बहुत रिस्की चीज़ हो जाती है और साथ ही आपकी साइकोलॉजी जब बिगड़ती तो आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉसेस भी ले लेते हैं। तो इसीलिए जितना छोटा कैपिटल रहेगा उतना ही आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब लॉस दिखाएगा तो 300-500 रुपये का लॉस दिखाएगा हद से हद, एंड प्रॉफिट भी उतना ही होगा, तो इसमें कोई डर नहीं। लेकिन अगर आप बड़ी कैपिटल लेके आते हो और आपको इसकी आदत नहीं है जलने की, तो जैसे ही आपने ट्रेड लिया अगर 30-20 पॉइंट भी नीचे आया तो सीधा आपको 5,000-6,000-7,000 का लॉस दिखाएगा जो आप नहीं सहन कर पाओगे एंड एग्जिट कर दोगे, तो फिर वो लॉसेस पे लॉसेस होते हैं, फिर आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड फिर उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो उसको कवर करने के चक्कर में, एंड देन सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है एक ही दिन में। तो वो चीज़ नहीं करनी है, स्मॉल कैपिटल से लाओ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि यार नहीं बनता है पैसा, अगर आप अभी भी ऐसा मानते हैं कि एक लोट से पैसा नहीं बनता है, तो मैं आपको एक लोट में ट्रेड करके शो कर सकती हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ सकती हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आप सबको ऐसी वीडियोस बताऊँ जिसमें एक लोट से प्रॉफिट बन सकता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके लिए एक लोट में ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बना सकते वो आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, बट उसके लिए कमेंट जरूर करना, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो ही डिमांड को अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।